गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नितीश कुमार, अ टीचर ऑफ बाल भारती इंग्लिश स्कूल। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। हम कैसे समझेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो इवन नंबर है और कौन सा नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर की हम बात करें तो द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उन नंबर्स को हम इवन नंबर बोलेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कि जब भी आप किसी नंबर को टू से डिवाइड कीजिएगा तो आप रेस्ट में कुछ भी नहीं पाइएगा, यानी कि रेस्ट कुछ भी नहीं बचेगा, तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोल सकते हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल देखिए 28। आपसे पूछा जाएगा क्या 28 इवन नंबर है या नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 को 28 को 2 से डिवाइड करेंगे। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे रेस्ट कुछ भी नहीं बचेगा, फिर 8 आएगा और 24 जा 8, फिर यहाँ भी हमको कुछ भी रेस्ट नहीं आ रहा, यानी कि कुछ भी रेस्ट नहीं बच रहा। आप देख रहे हैं कि हम 28 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक भी रेस्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 28 इज एन इवन नंबर। यानी कि जब किसी भी संख्या को नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद कोई भी रेस्ट ना बच रहा हो तो हम समझेंगे कि वो संख्या जो है, वो नंबर जो है, वो इवन नंबर है। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नंबर। और नंबर क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर ये और नंबर है या फिर ये इवन नंबर है। हम और नंबर की अगर बात करें तो द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली, नॉट इसकी बात कर रहे हैं, नॉट की, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उन नंबर्स को ऑड नंबर बोलेंगे। दो से पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है, इसका मतलब वी विल नॉट गेट एनी रेस्ट, हम लोग कोई भी रेस्ट नहीं पाएंगे, कोई भी रेस्ट नहीं बचेगा। इन दैट कंडीशन हम ये बोलेंगे कि वो नंबर ऑड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। आई एम टेकिंग 37। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2 कितना रेस्ट आया, 1। ठीक है, फिर यहां पर 7 लिखेंगे, 2 8 16 क्या रेस्ट बच रहा है हमको, 1। यानी कुछ ना कुछ तो रेस्ट बच रहा है मेरे पास। अगर ये रेस्ट बच रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम किसी नंबर में टू से डिवाइड करेंगे और उसमें रेस्ट बच जाए या रेस्ट हमको मिले, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 37 इज एन ऑड नंबर। क्या कह सकते हैं हम लोग कि 37 जो है वो एक ऑड नंबर है। चलिए, आप ये सब समझ गए होंगे, आप लोग इसको एक एक एग्जांपल लेकर के अपने आप में ट्राई करिए कौन इवन नंबर है और कौन ऑड नंबर है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। किसकी बात कर रहे हैं लोग, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि कोई एक स्पेसिफिक रूल किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ होता है, और उस रूल का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर्स को बिना देखे हुए उस रूल के मुताबिक ये बता पाते हैं कि क्या वो नंबर उस स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नंबर 2। 2 के डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि
जब कोई नंबर हमको दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम उसके वंस के प्लेस को देखेंगे, ठीक है, नंबर के वंस के प्लेस को देखेंगे। तो वंस जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, एग्जांपल में 22, ठीक है, आप ये जो प्लेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं वंस का प्लेस, और ये जो है वो टेंस का प्लेस, ठीक है, क्लियर है। आपको वंस के प्लेस पे सिर्फ देखना है, वन के बाद जो भी प्लेस उसको नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ वंस का प्लेस देखना। अगर इस वंस के प्लेस पे क्या क्या रहे, 0, 4, 6 और 8, ये पांचों डिजिट रहे, ये पांचों डिजिट अगर किसी नंबर के वंस के प्लेस पे आपको दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, यानी कि 2 के डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर के वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आपको एक एग्जांपल दिया 22 का, आप ऐसे भी देख सकते हैं 42, इसमें क्या है, 2 है वंस के प्लेस पे और 2 यहां भी है, इसका मतलब ये भी नंबर 42 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब हमको ये बताइए क्या 64 होगा, क्या 66 होगा, क्या 68 होगा, यस, क्यों, 4, 6 और 8 वन के प्लेस पे है और ये तीनों नंबर यहां पे दिए हुए हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर 3, नंबर 3 के बारे में। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसके लिए कुछ एक रूल दिया गया है, उस रूल को हम जानते हैं कि वो रूल क्या है। थ्री से डिविजिबिलिटी का रूल वेरी वेरी सिंपल रूल, बस आपको बस एक चीज याद रखना है कि जो भी नंबर दिए होंगे उनके डिजिट्स को आप ऐड कर लेंगे, यू हैव टू एड द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, क्या करना है, नंबर के डिजिट को ऐड करना है। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, आई एम टेकिंग 96, दिस इज अ नंबर, हमको क्या, हम आपको क्या बताया कि आपको नंबर के डिजिट को ऐड कर लेना है, फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड द सेकंड वन इज 9, हम क्या करना है, हमको डिजिट को ऐड कर लेना, 9 प्लस 6 हमको कितना प्राप्त होगा, 15, ये प्राप्त होगा हमको, 9 प्लस 6 15 होता है। अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर आपको नहीं समझ पा रहा तो फिर से ऐड कर लीजिए, यहां भी 2 डिजिट्स हैं, आप दोनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब हमको ये बताइए क्या 6 3 से डिविजिबल है, यस बिल्कुल है, अगर ये 6 डिविजिबल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 96 भी 3 से डिविजिबल होगा, समझ आ रहा है। चलिए हम एक आसान सा नंबर लेते हैं 24, बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये 6 3 से डिविजिबल है, यानी कि 24 भी 3 से डिविजिबल होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक और डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे और वो है नंबर 4, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल और नंबर 4, 4 के डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, 4 के डिविजिबिलिटी के रूल में यू हैव टू सी द वंस एंड टेंस प्लेस, ठीक है, यानी वंस के प्लेस को देखना है और टेंस के भी प्लेस को देखना, कोई भी नंबर जैसे 1, 4, 4 इज अ नंबर, आपको क्या करना है, ये है वंस का प्लेस और ये है टेंस का प्लेस, ठीक है, आपको इसके पीछे का सारा नंबर छोड़ देना, डिजिट छोड़ देना, आपको सिर्फ 1 और टेंस का पकड़ रखना है, ठीक है, 1 और टेंस के प्लेस पे जो संख्या है, जो नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगी तो वो पूरी की पूरी नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, या फिर अगर वंस और टेंस के प्लेस पे 0 और 0
ठीक है, क्या क्या हो, जीरो, वंस ऑफ टेंस के प्रेस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस कंडीशन में भी कोई भी नंबर नंबर फोर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, यानी कि फोर से डिविजिबिलिटी अगर चेक करना हो, हमको ये बताना हो कि क्या कोई नंबर फोर से डिविजिबल हो, तो हमको वंस और टेंस का प्लेस देखना है, और वहां पे देखना है कि वंस और टेंस के प्लेस पे या तो जीरो हो या फिर ऐसा नंबर हो वंस और टेंस के प्लेस पे जो फोर से डिविजिबल हो जाता हो, तो वैसे नंबर फोर से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ 144, और ऐसा भी समझ लीजिए 120 भी, देखिए 20 जो है 4 से डिविजिबल होता है और लास्ट में 10 भी है, इसलिए 120 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस क्लास के लिए हम लोग 4 के डिविजिबिलिटी रूल तक पढ़े, और नेक्स्ट क्लास में हम 5 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा और रिमेंबर करके लाइएगा। थैंक यू वेरी मच।